The residents of Dal Lake have demanded compensation for their gutted houseboats after the government was unable to take action on the recent incidents of houseboats being damaged in fire. From the last few years, a number of houseboats were damaged from the windstorm and many incidents of fire while the government failed to take any action. दो तीन हाउसबोट दो साल पहले भी जल गई, दो हाउसबोट यहाँ और नगीन लेक में भी जल गई, दो हाउसबोट तीन हाउसबोट, ये बहुत बड़ा लॉस इस इंडस्ट्री को होता है जो एक हेरिटेज है और जिसने यहाँ हमेरा टूरिज्म को किसी भी वक्त में वेदर टर्माइल में भी जिंदा रखा है और आज भी इस टूरिज्म इंडस्ट्री को अगर जिंदा रखे हुए है तो वो हाउस बोट इंडस्ट्री है। मगर हमारी हुकूमतें जो भी आई वक्तन फवक्तन इस हेरिटेज की तरफ सिर्फ जबानी जमा खर्च करते रहे, कोई काम इसके लिए नहीं किया, जो करते हैं वो हम खुद ही करते हैं। प्रिंस ऑफ कश्मीर एक हाउस बोट है जिसको आग लगी वहाँ पे और काफ़ी एक्सटेंसिव डैमेज हुआ उसका। इमीडिएटली मैंने उसमें लेक्स एंड वाटरवेज की टीम जो है वो डैमेज को असेस करने के लिए वहाँ पे भेजी थी, उन्होंने डैमेज वगैरह असेस किया एंड दे आर इन द प्रोसेस ऑफ फॉर्मुलेटिंग ए रिपोर्ट। जो भी मेरे पास रिपोर्ट आएगी उसको मैं प्रॉपर रिकमेंडेशन के साथ, ताकि इसका जो है नुकसान का अजाला हो सके जिस हद तक भी हम कर सकते हैं, वो प्रॉपरली इसको जो है गवर्नमेंट को भेज के इसका करवा लेंगे। लास्ट ईयर हाफ ऑफ डजन हाउस बोट्स कटेड इन झेलम, नगीन एंड दल लेक एंड दिस ईयर द रीओन्ड एंड हेरिटेज हाउस बोट namely Prince of Kashmir was completely damaged in a fire incident at Nehru Park in Dal Lake. The incidents have affected the tourism in a big way and the owners of the houseboats are continuously complaining.